दोस्तों, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ई फिलिंग वेबसाइट से आपको पैन कार्ड नहीं बनाना चाहिए और क्यों नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जो आपने ई फिलिंग से अगर पैन कार्ड बना लिया है तो उस पर आप सिग्नेचर और फादर्स नेम कैसे लाएंगे। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक वॉच करते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदिल, आप देख रहे हैं टेक्निकल आदिल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है पैन कार्ड NSDL। आपके सामने इस तरीके से नंबर फर्स्ट पर वेबसाइट आएगी, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन NSDL, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से जाकर भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको चूज करना है एप्लीकेशन टाइप में। तो यहां पर सिलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आकर आपको चेंजेस और करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कैटेगरी में आना है, इंडिविजुअल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइटल चूज करना है कि आप श्री हैं, श्रीमती हैं या फिर कुमारी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम डाल देना है, फिर फर्स्ट नेम डालना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर मिडिल नेम भी डाल सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स मेरा नाम है मोहम्मद आदिल, तो मेरा लास्ट नेम है आदिल और फर्स्ट नेम है मोहम्मद। तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम आदिल डालना है और फर्स्ट नेम मोहम्मद डालना है, इस तरीके से आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो यहाँ पर देखिए एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ से आकर आप चूज़ कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, आप अपनी जो कोई भी आपकी ईमेल आईडी हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो कि फिर यहाँ पर आकर चूज़ करना है कि आप सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं, अगर हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए, नहीं है तो नो पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर हो यहाँ पर टिक कर देना है। ये जो कैप्चा लिखा है इसको सही सही फिल कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर दिया होगा, इसको आपको कहीं से कॉपी करके रख लेना है या फिर नोट करके आपको रख लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक कंटिन्यू विद पेन एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो आप इस तरीके के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो डॉक्यूमेंट चेंज करेक्शन के लिए सबमिट करेंगे वो EKYC के थ्रू यानी पेपरलेस करेंगे, स्कैन करके करेंगे या फिर फ्रेंड्स फिजिकली फॉरवर्ड यानी पोस्ट करके करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर देखिए स्कैन करके हम अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आकर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप अपना जो फिजिकल पैन कार्ड चाहते हैं PVC वाला, जो प्लास्टिक का आता है पोस्ट के जरिए, या नहीं चाहते। अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपसे 66 रुपये फीस लगेगी। अगर आप चाहते हैं तो फीस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 107 रुपये पे करने होंगे। अब यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के फर्स्ट मतलब लास्ट के 4 डिजिट आपको डाल देनी है। आपके आधार कार्ड में जो नेम लिखा है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद फ्रेंड जो अभी आपने डिटेल्स फिलअप की थी वहाँ पर उस पहले वाले पेज पर, वो सब यहाँ पर फिलअप होकर आ जाएगी। यहाँ से आकर आपको केवल अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जेंडर क्या है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए सेलेक्ट कर लेना है कि आप अपने पैन कार्ड में क्या क्या करेक्ट करना चाहते हैं, जैसे फोटो, सिग्नेचर और डिटेल्स, तो उस पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपने फादर्स का नेम डाल देना है। सबसे पहले आपको अपने फादर्स का लास्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। अगर फ्रेंड्स आप अपनी मदर का नाम डालना चाहते हैं तो मदर का नाम डाल सकते हैं, वरना इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप पैन कार्ड पर जो नाम प्रिंट होकर आता है वो अपने फादर्स का चाहते हैं या मदर्स का चाहते हैं। अगर मदर्स का चाहते हैं तो यहाँ पर मदर्स नेम आपको डालना होगा, और फादर्स का चाहते हैं तो आप फादर्स का डाल दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होगी। उससे पहले लेकिन फ्रेंड जैसे ही आप हर पेज पर पहुंचे यहाँ पर सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि फ्रेंड्स किसी कारण से जैसे टेक्निकल एरर होता है तो आप जैसे टोकन नंबर वहाँ पर डालेंगे तो आप इसी पेज पर डायरेक्ट पहुँच जाएंगे जहाँ तक आपने छोड़ा था।
तो उससे ये होता है। तो आपको हर पेज पर जाकर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रेसिडेंस पर क्लिक कर देना है, आपको अपना एड्रेस यहाँ पर पूरा फिलअप कर देना है। सबसे पहले यहाँ पर आपका मकान नंबर क्या है, यहाँ पर बिल्डिंग आपका एरिया कौन सा है, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, रोड कौन सा है, यहाँ पर एरिया डाल दीजिए, शहर कौन सा है। यहाँ से आकर आप कंट्री चूज कर लीजिए कि आपकी कंट्री कौन सी है, जैसे इंडिया है तो हम यहाँ पर इंडिया पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से आकर अपनी स्टेट चूज कर लेते हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे आ जाना है। अगर दोस्तों अगर आपका ऑफिस है, आप ऑफिस का एड्रेस डालना चाहते हैं, यहाँ पर टिक करके आप अपने ऑफिस का एड्रेस भी डाल सकते हैं, वरना इसको अनटिक कर दीजिए। और यहाँ पर आपको अपने टेलीफोन और नंबर्स की डिटेल्स फिलअप करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका कंट्री कोड क्या है। तो यहाँ पर आकर फ्रेंड देखिए, जैसे हमारा इंडिया है तो यहाँ पर हम इंडिया पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर लिख कर आ जाएगा और ये जीमेल आईडी जो आपने डाली थी वो लिख कर आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि आपने जो ये पैन कार्ड करेक्शन कर रहे हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरा और आपका पैन कार्ड बना हुआ है, अगर है तो यहाँ पर देखिए पैन नंबर डाल दीजिए, फिर अगर दूसरा है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, और नहीं है तो फ्रेंड्स इसको अनटिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने एक नया पेज आएगा, यहाँ पर आपको देखिए अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे उससे पहले आपको यहाँ पर सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करके ये डाटा को सेव कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको चूज करना है कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड देना चाहते हैं तो हम आधार कार्ड पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने एड्रेस का प्रूफ देना है तो हम एड्रेस प्रूफ में भी फ्रेंड्स आधार कार्ड देंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड पर हम क्लिक कर देते हैं और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी हम आधार कार्ड देंगे। तो यहाँ पर भी हम आधार कार्ड में क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स प्रूफ ऑफ पैन में ये मांग रहा है, तो यहाँ पर अगर आपके पास पैन कार्ड की कॉपी है तो लगा सकते हैं, नहीं है तो नो डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आई डिक्लेरेशन में आपको अपना नेम डाल देना है, जो भी आपका नेम हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है हिमसेल्फ हरसेल्फ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिए वो कितने प्रकार के डॉक्यूमेंट है। जैसे फ्रेंड्स हमने केवल एक डॉक्यूमेंट दिया है आधार कार्ड, तो हम यहाँ पर एक लिख देते हैं। उसके बाद प्लेस यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका प्लेस हो, आपके शहर का नाम हो, यहाँ पर आकर आपको टाइप कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट, जो भी आधार कार्ड आपने सेलेक्ट किया है, वो अपलोड करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स फ़ोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड की कुछ कंडीशन है। जैसे फ़ोटो अपलोड करेंगे तो उसका मैक्सिमम साइज़ 50 KB होना चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 DPI होना चाहिए और 3.5x2.5 होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर का है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इस तरीके की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले देखिए आपको फ़ोटो, अगर आपको अपना साइज़ कम करना है बिना क्वालिटी घटे, उसी की फ्रेंड्स कंडीशन को फॉलो करना है, तो आप इस वेबसाइट पर आने के बाद सिलेक्ट फाइल पर आपको क्लिक करना है। जहां पर भी आपका फ़ोटो पड़ा हुआ हो उस फ़ोटो को यहां से आकर आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स इसको आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। आपको इसके सर्कल के अंदर ये फ्रेंड्स आपको एक सामने स्क्वायर आएगा, इसके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है आप कितना रखना चाहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे ये फ़ोटो है डाउनलोड होने लगा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए एक नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। सिग्नेचर पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर देखिए सिग्नेचर अपलोड करना है, तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर हो वो यहाँ से अगर आपको चूज़ कर लेना है, इसको भी इसी के हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है और डाउनलोड पर क्लिक करके इसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको वेबसाइट पर आना है, यहाँ पर देखिए आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपका फ़ोटो पड़ा हुआ हो वो यहाँ से आकर आपको चूज़ कर लेना है और अपलोड पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो फ़ोटो है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आना है, इसी तरीके से आपको सिलेक्टेड पर क्लिक करना है, जहाँ पर भी सिग्नेचर पड़े हों सिग्नेचर को सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर देना है, तो आपका जो सिग्नेचर है वो भी अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आधार कार्ड को अपलोड करने की भी कुछ कंडीशन है, जैसे आपका आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका साइज़ मैक्सिमम 300 KB होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपका JPEG फॉर्मेट में है तो आप PDF फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है,
क्रोम ब्राउजर में आना है और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है jpg2pdf। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने इस तरीके की वेबसाइट आएगी स्मॉल pdf, इस पर आकर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड पड़ा हो तो आकर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे फ्रेंड्स ये हमारा आधार कार्ड है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए ऊपर कन्वर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जनरेटिंग पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा। अब फ्रेंड जैसे यहाँ पर देखिए साइज लिखकर आ रहा है 27.9 KB। अगर आपका 202 MB 3 MB हो तो आपको करना क्या है, कंप्रेस पीडीएफ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आकर आप सिलेक्ट करना चाहते सिलेक्ट कर लीजिए कि आप उसकी क्वालिटी कैसी चाहते हैं। जैसे हाई चाहते हैं तो हम कंप्रेस पर क्लिक कर देते हैं। कंप्रेस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो साइज है वो कम हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा और यहाँ से आकर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर वेबसाइट पर जाइए और यहाँ पर देखिए सिलेक्ट पर क्लिक कीजिए। जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट पड़ा हो वहाँ से आकर फ्रेंड्स आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आना है, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट मतलब जो आपका पैन नंबर होगा वो लिख कर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के शुरू के 8 डिजिट डालने हैं। हमने पहले वाले पेज पर लास्ट के 4 डिजिट डाले थे। अब यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आपको आधार कार्ड के शुरू के 4 डिजिट डालने हैं। आपका जो आधार कार्ड में नेम होगा वो यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने जो जितनी भी अभी तक डिटेल्स भरी होगी वो यहाँ पर आकर सब फिलअप होकर आ जाएगी। अगर आपको लगे कि आपकी कोई चीज़ गड़बड़ है तो यहाँ पर एडिट करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपकी हर चीज़ सही है तो यहाँ पर आकर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पेमेंट वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप किसके थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम पेमेंट थ्रू बिलडेस्क की करना चाहते हैं तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। आपके सामने इस तरीके से डिटेल्स आ जाएगी। आपको आई एग्री पर क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। पेमेंट वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको पे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप अपने देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम यूपीआई के थ्रू करते हैं तो उसके लिए आपको यूपीआई पर क्लिक कर देना है, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज शो होगा। यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी डाल दीजिए, मेक पेमेंट पर क्लिक कर दीजिए। और दोस्तों जैसे आप यूपीआई आईडी से नहीं करना चाहते हैं पेमेंट, क्यूआर कोड स्कैन करके करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्यूआर कोड आपके सामने आ जाएगा, इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आप इस पर पेमेंट कर देंगे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आप इस पेज से रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, अब हम इस पेज से डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो तो आपको 1 मिनट का वेट कर लेना है, ना ही आपको स्किप करना है, ना ही आपको इस पेज को कट करना है, क्योंकि आपका इससे पेमेंट फंस सकता है। तो आपको ना ही स्किप करना है और ना ही इसको कट करना है, 1 मिनट का वेट कर लेना है। आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिख कर आ गया है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, यानी हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, 106 रुपये लगे हैं। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको टिक कर देना है और यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको OTP ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको किसी कारण से OTP नहीं आता है तो रीजनरेट OTP पर आप क्लिक कर दीजिए और OTP डाल के सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू ई साइन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए आई हेयर बाई पर क्लिक कर देना है। इधर आकर फ्रेंड्स आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर फ्रेंड जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको डाल देना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों इस तरीके से अब आपके सामने यूजर इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने PDF आएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पर डाउनलोड PDF पर आप क्लिक कर दीजिए। अब आपसे यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आपका क्या होगा, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2001 तो आपको डालना है 01/01/2001, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है।
तो अब आपके सामने इस तरीके का आपका फॉर्म फिलअप होकर आ जाएगा, आपका फोटो लगा होगा, यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, सिग्नेचर पूरा फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको वेट कर लेना है, 2 से 3 दिन के अंदर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होगी जो PDF की, वो आपकी जो आपने ईमेल आईडी डाली है उस पर सेंड कर दी जाएगी, और 8 से 10 दिन के अंदर पैन कार्ड आपके घर पर आ जाएगा। ई पैन कार्ड, इस पर मैं ऑलरेडी पहली वीडियो बना चुका हूँ कि ई पैन कार्ड पर सिग्नेचर और फादर नेम कैसे आएगा, और मैंने उसके बाद एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था उसमें कि देखिए मेरा ई पैन कार्ड आ चुका है, जिसमें फ्रेंड्स लिखा है ई पैन कार्ड पर देखिए सिग्नेचर और फादर्स नेम इस तरीके से आया। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए कि ई पैन कार्ड पर सिग्नेचर और फादर नेम कैसा आता है और कैसा लगता है। तो आपको देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ईमेल पर आपको अपनी जाना है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप जीमेल को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से NSDL पैन कार्ड के एक मेल पड़ा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट रिसीप्ट होगी। यहाँ पर देखिए 2 डॉक्यूमेंट आपको दिए गए होंगे, यहाँ पर आप रिसीप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एक पेमेंट की रिसीप्ट होगी, वो डाउनलोड कर लीजिए, और एक आपका जो फॉर्म होगा जो मैंने अभी आपको बताया था वहाँ से आकर डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए जैसे रिसीप्ट पड़ी है, यहाँ पर भी पासवर्ड पड़ा होगा, आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपने वहाँ डाला था, यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, उसके बाद फ्रेंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से पेमेंट रिसीप्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आप अपने किसी ग्राहक का पैन कार्ड में करेक्शन कर रहे हैं तो ये पेमेंट रिसीप्ट उनको प्रिंट करके देख सकते हैं, या फिर फ्रेंड इसको PDF में भी सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन कंप्यूटर लैपटॉप की हेल्प से ई पैन कार्ड पर फादर्स नेम सिग्नेचर ला सकते हैं या फिर पैन कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।